अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज मी आयशा रिजवान फ्रॉम आयशा डेजल ब्यूटी। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड क्लिक द बेल आइकॉन फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस। तो आज की जो वीडियो है वो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको परेशानी है कि हमारे पास इतने ब्रशेस नहीं है, हम इतने ब्रशेस महंगे महंगे ब्रशेस इतने ज़्यादा नहीं खरीद सकते, एक पूरा ब्रश का मेकअप ब्रश का सेट खरीदना है तो हम क्या क्या खरीदें, पैसे इतने मतलब ज़्यादा लगाने पे भी आपको वो परेशानी हो रही होती है कि मेकअप लुक हम उसी तरह अचीव कर सकते हैं जिस तरह से कि बहुत सारे ब्रशेस हों। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे ब्रशेज़ हों, 10-15 ब्रशेज़ हों और आप उनको एक एक स्टेप के लिए एक एक ब्रश खरीदें, वो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में यही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप कुछ ब्रशेज़ के साथ ही, चंद ब्रशेज़ के साथ ही अपना मेकअप हाई क्लास वाला कैसे कर सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये सीरम यूज़ करूँगी। पहले आपने स्किन को प्राइम कर लेना है। मैंने अभी अपनी स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ, आप देख सकते हैं मैंने कोई चीज़ भी अभी अप्लाई नहीं की है। मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ आपके पास, सामने मेकअप स्टार्ट करूँगी आज। आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ जो है वो बता के अप्लाई करूँगी ताकि आप लोगों को समझ आए। तो प्रोडक्ट्स तो मैंने नहीं सोचा था कि दिखाऊंगी, लेकिन चलें आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आज मैं पहले प्राइम करूँगी इसके साथ, सीरम के साथ अपने फेस को, फिर उसके बाद मैं मतलब मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। 24K गोल्ड सीरम है ताज मिली बाय हानिया का, इसको मैं अप्लाई करूंगी इसके ड्रॉप्स अपने फेस पे। प्राइमर यूज करना क्यों जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन जिनकी ड्राई स्किन है और वो जरूर यूज करें क्योंकि उनके ड्राई पैच ना आए और बेस जो है वो अच्छे से अप्लाई हो सके, तो वो जरूर 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 इसको कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। आप निविया का ले लें, निविया की कोई क्रीम यूज़ कर सकते हैं आप, कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र पॉन्ड्स का, सब जो अच्छा आपको लगे जो आपको सूट करे वो। एलोवेरा जेल भी आप ले सकते हैं इसके लिए, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं मेकअप करने से पहले। अच्छा जी, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है प्राइमर। तो यहाँ पे प्राइमर मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का यूज़ करूँगी। ये प्राइमर क्यों यूज़ करते हैं? ये प्राइमर इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारे स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं ना गर्मियों में, यहाँ पे एक हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा स्किन खुली स्किन है और बेस फटना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए हमें पहले प्राइमर लगाना पड़ता है बेस स्टार्ट करने से पहले। तो मैं यहाँ पे ब्यूटीफाई बाय आमना का प्राइमर अप्लाई करूँगी। इस तरह से आपने इसको बिल्कुल दबा दबा के फिंगर्स के साथ अप्लाई करना है। सो फॉर माई फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस एस्टी लंडन का ये इम्परफेक्शन इरेजर है, ये बहुत अच्छी है, इसकी कवर्स भी बहुत अच्छा है, इसका कंसीलिंग भी है, ये इसके अंदर ही कंसीलर है और ये दोनों चीज़ें आप मतलब अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप इसको अकेला भी यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि अलग से कंसीलर बाय करना पड़े। तो आज मैं आपके साथ ये ट्राई करके दिखाती हूँ। इसका जो नंबर है वो IE02 है और मैं सिंपली अपने हाथ पे इसको यहाँ से पंप के साथ निकालूंगी, इतनी सी बस, जस्ट इतनी सी अमाउंट लेनी है। और आपने इसको मैं अपनी फिंगर टिप्स के साथ तो शक्ल पे ना जाइए, अभी सेट हो जाएगी। तो अभी मैं ये सेकंड ये टूल है ये आपके पास लाजमी होना चाहिए, ये एक ब्यूटी ब्लेंडर है और अच्छा वाला ब्यूटी ब्लेंडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, आप स्वीट टच का भी ले सकते हैं। तो इसको आपने बिल्कुल डैबिंग मोशन में आपने इसको बेस को ब्लेंड करना है, आपने यूं रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है इसको, ब्यूटी ब्लेंडर को आपने बिल्कुल यूं डैब करते हुए अपनी फाउंडेशन उतारनी नहीं है, आपने डैब करते हुए अपनी स्किन के अंदर ये देखें इस तरह से ये है डैबिंग मोशन में आपने यूं से, फिर आप वही ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और आप उसको डैबिंग मोशन के साथ इसको ब्लेंड कर लेंगे। अभी जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ बेस को सेट करना। पाउडर के साथ बेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके लाइंस ना पड़ें और क्रीज लाइंस ना आएं,
तो इसकी वजह से आपको पाउडर से पाउडर के साथ सेट कर लेना चाहिए ना बेस को। और उसके लिए मैं ये मेरे पास ब्रश है, एंगल ब्रश है, लेकिन हम इसके जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो इसके साथ ही मैं अपने फेस पे पाउडर को अप्लाई करूँगी, कॉम्पैक्ट पाउडर को, और इसका जो आप ऐसे ब्रश के ऊपर अच्छी तरह से लेके सेट करूँ। पहले आप अंडर आई पे यूँ अप्लाई कर लें, ठीक है, ये फिर आप आईज के ऊपर जहाँ आपने आई मेकअप करना है, ठीक है, पाउडर के साथ सेट कर लें। चले अब हमारी बेस हो गई सेट पाउडर के साथ। अभी हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो है कंटूरिंग। तो कंटूरिंग के लिए मुझे अब कोई अलग ब्रश नहीं चाहिए कि मैं एक अलग ब्रश लेकर आऊँ जी उसके लिए मैं कंटूरिंग करूँ। आपने जो ये एक एंगल ब्रश लिया वैसे आपने पाउडर के साथ फेस को सेट कर लिया। आपने सिंपली टिश्यू रखना है पास और टिश्यू के ऊपर इसको अच्छे से यूं करते हुए साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आपका जो पाउडर है वो रिमूव हो जाएगा और फिर आपने कंटूरिंग, अभी मैं जो शेड लूंगी लाइटर सा है क्रिस्टेन का, ये पैलेट है, इससे मैं ब्रश के ऊपर लिया, ठीक है, इसको आपने हल्का सा डस्ट ऑफ करना है और फिर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, जस्ट आपने फेस को, आप अगर आपका फेस गोल है, थोड़ा स्मार्ट लुक देनी है, तो उसके लिए आपको फेस को थोड़ा सा अपने लिप्स को यूं अपने अंदर, ये चिक्स को अंदर लेके जाना है और फिर आपने इसको अप्लाई करना है। तो जो जिनके फेस स्मार्ट है, ऑलरेडी स्मार्ट है, उनको ज़्यादा कंटूरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उनको जस्ट फिर हल्का सा इतनी ही कंटूरिंग रखेंगे वो जितनी मैंने अप्लाई की। लेकिन अगर फेस ज़रा थोड़ा सा और मोटा है तो आपने क्या करना है, दोबारा से थोड़ा सा शेड लेना है और उसको आपने यहाँ पे थोड़ा सा ईयर भी भाई मोटा मुँह की करिए चिन पे यूं, ये डबल चिन आ जाती ना, तो इसको हम इसी ब्रश को यूं फ्लैट करेंगे, ये देखिए ऐसे फिंगर्स के साथ, ठीक है, यूं टिप्स के साथ आपने यूं फ्लैट किया और इसको यूं अप्लाई कर लिया। ये ईयर के बिल्कुल नीचे से आपने ये वाली जगह से, अगर आपके फेस यहाँ से भी थोड़ा फैट है यहाँ से, तो आप यहाँ से अप्लाई करते हुए इसको यहाँ पे चिन पे अप्लाई कर देंगे। ओ हो गया स्मार्ट। अब रही नोज की कंटूरिंग, तो नोज के लिए भी आपने प्रोडक्ट ली, थोड़ा सा इसको झाड़ लेना इस तरह से और फिर आपने ये फ्लैट किया ब्रश को, एंगल ब्रश को यूं, और आपने फिर अपने ऐसे यहाँ पे रखना है, ये देखिए यहाँ पे और ये देखिए यहाँ रख के। तो अभी जो स्टेप है वो देखिए मैं बेक करने वाली हूँ इसके साथ। ये लूज पाउडर है ब्यूटीफाई बाय आमना का। आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एक तो ये ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं बेक करने के लिए और एक ये ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर भी आप यूँ अप्लाई करेंगे इसको पाउडर को, ये ऐसे अप्लाई हो जाएगा, पर ड्राई होना चाहिए ब्यूटी ब्लेंडर, उसको गीला नहीं होना चाहिए। इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ये करके, और दूसरा इस तरह से यूँ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इधर आपने ये रखा और आपने यू लाइन, आप देख लें कितना कंटूरिंग में फर्क आ रहा है और कितनी नीट लुक आ रही है, जस्ट बिल्कुल प्रोफेशनल। आप बिगनर है तो क्या हुआ, आप ट्राई करते जाएं आप भी प्रोफेशनल हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको इधर अप्लाई करके दिखाती हूँ आई, अंडर आई पे इसको मैं बेक करूँगी, ठीक है, तो मुझे आई मेकअप करना है तो मैं इसको बेक कर लूँगी ताकि हमारे जो भी डस्ट फॉल होगी ना शेड्स की, तो वो इसके ऊपर गिरेंगे और हम इसको फिर डस्ट आउट कर देंगे, ये देखिए ऐसे। तो आईज के लिए आपके पास दो ब्रशेज का होना लाजमी है, ठीक है, वो दो ब्रशेज कौन से हैं कि आप अच्छी सी लुक कर सके, वो दो ब्रशेज हैं ये दोनों ब्रशेज मैंने अलग अलग बाय किए थे स्वीट टच के, और ये समझिए कि आप एक दफ़ा बाय कर लेते हैं तो आपको बार बार ब्रशेज खरीदने नहीं पड़ते, अच्छी क्वालिटी के हैं और इनके ब्रिसल्स बहुत, एक के ब्रिसल्स आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ओपन है, ये देखिए बिल्कुल ऐसे खुले हुए, मतलब खुला ब्रश है ये, इसको बोलते हैं फ्लफी ब्रश, और ये बड़ा वाला ब्लेंडिंग ब्रश है, ये भी एसटी लंदन का है। और एक मैंने बाय किया जो सबसे पहले मैंने जो इनके साथ हैवी लुक्स करनी शुरू की तो यही थे, ये है पेंसिल ब्रश, ये यूं है और ये बिल्कुल आगे से ये बंद है, इसके ब्रिसल्स ओपन नहीं है,
इनके साथ मैं आई मेकअप करूंगी। इस बड़े वाले ब्लेंडिंग ब्रश का ये है कि आपने अगर पूरी आईज में इसकी ब्लेंडिंग करनी है, कंटोरिंग करनी, कंटोरिंग वही जैसे कि मैंने यहाँ की है, यहाँ की है, यहाँ की है, तो हमें आईज की भी कंटोरिंग करनी पड़ती है। वो ये है कि हमारी ये क्रीज लाइन है, ठीक है, ये जहाँ आँख हमारी खुलती है। तो जिनकी आँख पफी आईज हैं, मतलब ये वाली लिड जो है बहुत मोटी है, और यहाँ पे जैसे मेरी भी थोड़ी सी है, तो जिनकी बहुत ज़्यादा है तो उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटोरिंग करनी पड़ती है ताकि हमारी आँख खुली लगे। तो इसी ब्रश के ऊपर मैं शेड लूँगी, और कंटोरिंग हमेशा ब्राउन के साथ करें, लाइट ब्राउन शेड के साथ करें, डार्क ब्राउन शेड के साथ करें। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप लाइट शेड के साथ यूज़ करें, लाइट की यूज़ करें शेड, और अगर आपको कम लगे कंटोरिंग अच्छी से नहीं हो रही तो दोबारा से शेड ले सकते हैं, लेकिन एक ही दफ़ा डार्क शेड बिल्कुल भी नहीं लेना। यहीं पर आप देख लें, मैंने ये शेड लिया ब्राउन सा, और मैंने इसको यूँ हल्का सा ब्रश को झाड़ लिया, और फिर अपने यहाँ पे आउटर वी पे रख के ना यूँ मैंने इसको सर्कुलर मोशन में यूँ कंटोरिंग कर लिया। स्टार्ट, ये देख, ये देख, इस आंख पे और इस आंख पे आपको वाजह फर्क नजर आ रहा होगा। ये आंख हमारी कितनी खुली खुली लग रही है, और ये देखे कितनी दबी दबी चाइनी आंख लग रही है। टोरिंग हो चुकी है मेरी आईज की, तो मुझे अभी डार्क यहाँ पे, अगर लड़कियां पसंद करती हैं कि जी हमारे ये कॉर्नर्स अच्छे से निकले हों, बाहर आंख खुली हुई लगे, स्मोकी लुक लगे, तो उसके लिए हम इसी ब्रश को यूज कर सकते हैं। इसको हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर हमने जैसे बड़ा वाला ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है तो वो पूरा फैल गया है, हमारी कंटोरिंग पूरी फैल गई है, और हमें एक ही शेड को एक ही जगह पे रोक के रखना है, मतलब रोक के रखना है जैसे वो चल रहा है, जैसे हमने एक ही ब्रश के ऊपर शेड लेना है और उसको हमने वहाँ वहाँ अप्लाई करना है जहाँ हम चाहते हैं कि वहीं पर अप्लाई हो और आगे ना जाए, तो उसके लिए हम ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे। इस ब्रश के ऊपर मैं डार्क ब्राउन शेड भी ले सकती हूँ, ब्लैक शेड भी ले सकती हूँ, आपकी चॉइस है कि आप कौन सा शेड लेंगे जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पिंक शेड ले रही हूँ, और मैं इसको ये देखिए, ठीक है, इसको मैं फिर से यूँ हल्का सा अपने ब्रश को ऐसे किसी भी चीज़ को झाड़ लूँ। अब आप देखें कि मैंने इसको आउटर वी पे अप्लाई करना है, आउटर वी पे मैं यूँ बिल्कुल डैब करूँगी, ठीक है, ऐसे ऐसे बिल्कुल कॉर्नर पे, ये देखिए इस तरह से, और इसको मैं चाहूँ तो क्रीज लाइन में भी हल्का सा अप्लाई कर दूँ। आपने क्या करना है, उसी वाले ब्लेंडिंग ब्रश से जिसे हमने कंटोरिंग की थी उसको हमने अब लाइन ख़त्म करनी है, तो ऊपर वाली लाइन को ख़त्म करने के लिए सिर्फ हल्का सा हाथ, ऐसे हल्का सा हाथ चलाएंगे, नीचे नहीं आना, इस जगह पे नहीं आना, ऊपर ऊपर ही क्रीज लाइन के ऊपर जो लाइन आ रही है ब्रश चलाने पर, तो उसको हम यूँ सेट कर लेंगे जाता है। आप पिंक भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइट यहाँ पे लिड दिखाएंगे ना अपनी, ज़्यादा आपकी आँख की लिड इतनी बड़ी नहीं है, और आप यहाँ पे लाइटर मेटालिक शेड लगाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, आपकी आँख बड़ी लगेगी उससे। तो इसी को मैं यूँ अप्लाई कर दूंगी, देखो देखो कैसे मैंने इसी पे फिंगर के साथ ही, अपनी फिंगर टिप के साथ अप्लाई कर दिया। अभी हमने आईज के नीचे मेकअप करना है, तो आपको जस्ट कंटोरिंग और करनी है, तो आप एक लाइट ब्राउन सा शेड उठाएं, ठीक है, आपने यूं अंडर आई पे, ये देखें इसी के साथ, इसी पेंसिल ब्रश के साथ मैंने यूं अप्लाई कर दिया शेड, ठीक है, और आपने इस जगह पे जाके इसको ब्लेंड कर देना ऐसे। अच्छा, अभी हम इस पे वही पिंक शेड जो मैंने अपनी आउटर वी पे दिया था उसको हल्का सा लेंगे, और आगे तक नहीं आना, आपने सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ही अप्लाई कर देना है, आधी आधी लाइन ही यहाँ पे आईज की हाफ, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर देना। तो जिनका डर होता है कि हमारे शेड्स नीचे गिरेंगे, तो आई मेकअप के नीचे मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई किया था, अब मैं इसको इसी ब्रश के साथ, ये वाला, इसके साथ ही मैं इसको डस्ट आउट निकाल दूंगी यहाँ से, ये देखें नोज की साइड्स पे भी हमने लगाया था, तो इस पर भी हम अप्लाई किया था, वो भी साफ कर दें, ठीक है। तो अभी हमें लाइनर अप्लाई करना, लाइनर अप्लाई करने के लिए आप, मैं रिकमेंड करूँगी कि जो थोड़ी सी कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ हैं वो पेंसिल वाला पेन लाइनर ले लें, पेन लाइनर जो है वो बड़ा अच्छा रहता है उनके लिए। मेरे पास अभी ये ब्रश के साथ मैं अप्लाई करने वाली हूँ लाइनर, तो ये लाइनर ब्रश है ये वाला, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप लाइनर ही ऐसा ले लें,
कि आपको ब्रश ना खरीदना पड़े, उसके साथ ब्रश भी हो, अगर ब्रश नहीं है तो पेन लाइनर ले लें। पेन लाइनर सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, उसको आपको कैरी करना भी ईजी रहेगा। यहाँ पे मैंने आई लैशेज अप्लाई कर ली हैं, आप देख सकते हैं कि आई लैशेज अप्लाई हो चुकी हैं। अभी मुझे ब्लश ऑन अप्लाई करना है। ब्लश ऑन के लिए भी मैं यही ब्रश यूज़ करने वाली हूँ जो मैंने कंटूरिंग के लिए यूज़ किया, जो मैंने अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने के लिए यूज़ किया है। तो इसमें से जो मैं शेड लूँगी वो थोड़ा सा ये पिंकी सा शेड है, पिंक सा, और ये वाला, ठीक है। और इसके साथ मैं ये वाला अप्लाई करूँगी। तो मैं मिस रोज के ये ब्लश ऑन जो है वो मिस रोज के। अब आपने ब्लश ऑन कैसे अप्लाई करना है? ब्लश ऑन आपने हल्का सा स्माइल करनी, ठीक है। स्माइल की आपका ये वाला जो है ना, ये एरिया जो यहाँ पे चिक बोन के ऊपर जब आप स्माइल करती हैं तो ये हल्का सा राउंड, यहाँ पे आपने ब्लश ऑन एरिया, हमारा ये कंटोरिंग है और ये हमारा ब्लश ऑन। आपने ये स्माइल की सर्कुलर मोशन में इसको अप्लाई किया, ठीक है, यूँ हल्का सा ये, और आपने इसको कंटोरिंग के साथ ब्लेंड कर दिया यूं, ठीक है, ब्लशन हो गया। तो ये वाला हाइलाइटर है और ये दियामा कॉस्मेटिक का हाइलाइटर है, गो विद ग्लो, दियामा कॉस्मेटिक का गो विद ग्लो। इसमें ये 4 शेड्स आते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ये देखें ये वाला, ठीक है। अब इनमें से ये गोल्डन सा है, ये वाला थोड़ा सिल्वर सा है, और ये थोड़ा सा डल में है, डल लाइट डल सा शेड है, बहुत अच्छा सा शेड है। ये वाला मैं ज़्यादा ये वाला अप्लाई करती हूँ, ये वाला। और ये भी एक समझ लें कि इनके नाम भी हैं, जो ये वाला है ये सनशाइन है, और ये वाला जो है ये बटर स्कॉच, ये फायर ग्लो है, और ये बटर स्कॉच, ये वाला है, ये मैं बटर स्कॉच ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो इसी को मैं अपनी फिंगर टिप्स के साथ, ये देखें हाइलाइटर अप्लाई हो रहा है विदाउट ब्रश, विदाउट एनी ब्रश। बहुत से लोग ये करते होंगे। आपने इनर कॉर्नर जो ये इसको बोलते हैं टीयर डक बोलते हैं, ये वाला जो कॉर्नर होता है हमारा इनर कॉर्नर टीयर डक, को भी हमें इसी के साथ फिंगर के साथ हाईलाइट कर लेंगे। हाईलाइट भी हो गया, ब्लशन भी हो गया। अब हमारी लिपस्टिक रह गई है, तो लिपस्टिक में अप्लाई करके फिर आपके पास आती हूँ, और आप फिर मुझे पूरी लुक में देखिएगा कि हमारी आज की जो, फिर मैं आपको ब्रशेज़ दिखाती हूँ और टूल दिखाती हूँ जो मैंने ये लुक कंप्लीट की है, कितने ब्रशेज यूज़ किए हैं, आप लोग काउंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी लिपस्टिक अप्लाई कर ली है और मेरी ऑल ओवर लुक कम्प्लीट तकरीबन हो चुकी है। तो यहाँ पर जो मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ ये है ग्लैमगर्स बाय मैरिज का मेकअप लॉकेट ऑल डे सेटिंग स्प्रे। इसको आपने इतना फासले से, मतलब दूर से ही आपने इतना फासला रखना है और आपने इसको करना है आईज बंद करके। आपने अप्लाई कर लिया, फिर आपने ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और जो आपने अप्लाई किया उसके ऊपर इसको डैप कर लेना। तो ये थी मेरी कंप्लीट लुक। आप लोगों को कैसी लगी हो? अगर आपके लिए ये बहुत यूजफुल है, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, थोड़ी वीडियो लेंथ ही जरूर हो गई है, लेकिन इसलिए क्योंकि ये डिटेल में बताया है मैंने, आप लोग देखें और आपको आइडिया हो कि मैं कौन कौन सी चीज़ें किस किस स्टेप में किस तरह से अप्लाई करती हूँ और कम ब्रशेज के साथ कैसे मैं अपना अच्छा मेकअप कर सकती हूँ, और आप भी कर सकती हैं फाइनली, जब आप प्रैक्टिस करते 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 इस जगह तक पहुंच जाएंगे कि आपका अच्छा मेकअप हो जाएगा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो फिर मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।